आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन। ये एक चाइनीज रेसिपी है, लेकिन हम इसे थोड़ा इंडियन टच देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले गोभी को काट कर इस तरह तैयार कर लें। फिर इसको हम ब्लांच करेंगे। मीडियम फ्लेम पर पानी गर्म करें। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के गोभी के जो कटे हुए फूल हैं वो इस तरह इसमें डालकर 5 मिनट के लिए इसको हम इसी तरह ब्लांच कर लेंगे। इसके बाद टैप वाटर के नीचे 1 मिनट रखें, इसको अच्छे से धो लें और इसका पूरा पानी निकल जाने दें। जब ये अच्छे से सूख जाए फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। उसके लिए गोभी के ऊपर 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें, 1 टीस्पून गार्लिक की पेस्ट डालें और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर दें और 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह छोड़ दें। दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे इसका बैटर। तो बैटर के लिए हम 5 से 6 चम्मच मैदा लेंगे। उसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/2 छोटा चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी इसका घोल बनाने के लिए। इसको इस तरह गोल गोल घुमाते हुए इसमें पूरी हवा इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि ये फ्लफी और इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर बन जाए। फिर इसमें मैरिनेट की हुई गोभी के फ्लोरेट्स डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। तो हाई फ्लेम पर तेल मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था, अब उसमें हम इसको तल लेंगे। ध्यान रहे पहले हम इसको थोड़ी देर के लिए तलेंगे, पूरा ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस गोभी को 2 बार फ्राई करना है। 2 बार फ्राई करने से ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है। तो पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे इसको बाहर। सारी गोभी को बाहर निकाल लें। उसके बाद तेल को दोबारा से बहुत ज़्यादा गर्म करें। उस तेल में फिर इसको हम दोबारा से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह 2 बार तलकर ये गोभी अच्छे से अब तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे तेल से। अब हम तैयार करेंगे टेम्परिंग। उसके लिए हमें सॉस चाहिए होगी, तो 1/2 कप पानी में सोया सॉस डालें, तकरीबन 1 चम्मच। फिर इसमें डालें शेजवान सॉस 1 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच, केचप 1 चम्मच। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। दूसरी तरफ हम मैदा और पानी का घोल तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच मैदा लें, थोड़े से पानी में डालकर इसको अच्छे से घोल कर साइड में रख लें। तो अब पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें, इसमें डालें लहसुन बारीक कटा हुआ, साथ ही में इसमें डालेंगे हम स्प्रिंग अनियन, इसका वाइट पार्ट डालेंगे। सौते कर लें इसको 2 मिनट के लिए। दो मिनट पका लेने के बाद अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। 1 शिमला मिर्च को बारीक काट कर इसमें डाल दें इस तरह। इसको भी 2 मिनट के लिए पका लें। उसके बाद जो हमने अभी सॉस तैयार की थी सोया सॉस की, वो डाल दें। मैदा और पानी का घोल तैयार किया था वो भी अब डाल दें। इसी के साथ ही 1/2 गिलास पानी डालें और इसको ढककर 4 से 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे। और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा तब तक। ये हमारी सॉस तैयार है। इसमें हम डालेंगे चीनी 1 चम्मच चीनी, ये ऑप्शनल है, विनेगर 1 चम्मच और थोड़ा सा नमक। ध्यान रहे नमक हमने पहले भी डाला था। अब इसमें हम फ्राई की हुई गोभी डाल देंगे। याद रखें कि जब भी आपने इस डिश को सर्व करना है तभी आप सॉस और गोभी को मिक्स करें। तो लास्ट में हम इसको गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स के साथ और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रेसिपी गोभी मंचूरियन। मिलेंगे दोबारा एक और डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। बाय बाय।